हेलो फ्रेंड्स, आज सीए इंटर का रिजल्ट आया है और हमारे लिए और बहुत सारे बच्चों के लाइफ में उनके परिवार के लिए बड़ा ही एक उत्सव का आनंद लेकर आया है। हालांकि कहीं असफलताएं भी मिली हैं और हमें पूरा यकीन है कि जो बच्चे असफल हुए हैं नए जोश और जवानी के साथ फिर से अपनी तैयारी में लगेंगे और आगे सक्सेस होकर ही आएंगे। लेकिन अभी हमारे बीच पाँच ऐसे स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने पहला अटेम्प्ट में सीए इंटर के बोथ ग्रुप पास किए हैं। मैं इन बच्चों से आप लोगों को मिलवाना चाहता हूं और आपके कोई क्वेश्चन अगर हो तो प्लीज आप यहां पे लाइव सेशन में पूछ सकते हैं या फिर बाद में पूछिएगा, उसके जवाब हम लोग जरूर देंगे। मेरे इस तरफ बैठे हैं वंश जैन जी, कितने नंबर आए वंश? सर मेरे 501 मार्क्स आए हैं और सर मैं ये कहना चाहूँगा अगर ये मेरे मार्क्स आए, सब कुछ मेरे टीचर्स की वजह से हो पाया है और टॉपर्स की वजह से हो पाया है। मेरे फाउंडेशन में टॉपर्स ही पढ़ा था और वो भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ था, उसमें मेरे अच्छे मार्क्स आए थे और इंटर में भी फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, ये भी टॉपर्स की वजह से हुआ है। और सर मैं तो यही मानता हूँ कि हार्ड वर्किंग होना चाहिए, स्मार्ट वर्किंग नहीं, क्योंकि स्मार्ट वर्किंग में हम कभी कभी फंस सकते हैं लेकिन हार्ड वर्किंग हमारी हमेशा हेल्प करती है। और सर मैंने तो ये देखा था हमें संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती थी, ना ही हमें फेस्टिवल्स पे भी कौन छुट्टी मिलती थी, उस टाइम हमें बुरे लगता था लेकिन ये सब आज हमें फायदा दे रहा है। हमारे इस तरफ बैठे हैं, मैं कहता हूं कि खुद अपना परिचय दे और बताएं कितने नंबर आए हैं और कैसे आए हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम चर्चिल जैन है और मेरे सीए इंटर बोथ ग्रुप्स इंटर एक फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ है। मेरे 463 नंबर आए हैं और कहीं ना कहीं मेरी खुद की कमी रह गई कि थोड़े कम नंबर आए हैं, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना बहुत बड़ी बात है और ये सब मेरे टीचर्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। सर मैं स्टार्टिंग में जनवरी से सेशन स्टार्ट किया था, सर ने रिजल्ट आया था उससे पहले ही और इसका कहीं ना कहीं मैं एडवांटेज ज़रूर मिला। सर बिल्कुल थकते नहीं है पढ़ाते हुए और ये इनकी बहुत अच्छी बात है। स्टार्टिंग में हमें लगता था सर कितना पढ़ाते हैं लेकिन बाद में एंड में रिजल्ट हमें ही मिला, हमारे भले के लिए किया था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, पहले हमारी सुबह से दोपहर तक क्लास होती थी फिर शाम तक हो गई और वो हफ्ते में सातों दिन होती थी, लेकिन स्टार्ट फिर आदत पड़ दी गई शेड्यूल पैक हो गया, फिर पढ़ने की इतनी आदत पड़ गई कि हमारी क्लासेस बंद होने के बाद भी जब टेस्ट सीरीज होती थी तो हम काम मतलब मेहनत से जीनी चुराते थे, पढ़ते गए और उसका रिजल्ट आज हमें फर्स्ट अटैम्प्ट सीए इंटर बोथ ग्रुप्स क्लियर हुआ। हमारे भगवान सर हमें चार सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अरविंद सर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, हम भी नहीं कि कहते हम सातों दिन आते, हमारे टीचर्स भी सारा फेस्टिवल सारे घर परिवार छोड़ के हम यहाँ पढ़ाने आते थे, सर्दियों गर्मियों कैसा मौसम हो, तो उनके बहुत थैंक्स शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं सर, आपके बिना मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाता। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके परिवार को। अगर बच्चों अगर आप देख रहे हैं और कुछ लाइव सेशन आप पूछना चाहते हैं क्वेश्चन, तो इन बच्चों से पूछ सकते हैं, ठीक है ना, ये बच्चे आपको इसका जवाब देंगे। ये कहा है कि कैन आई क्लियर फर्स्ट ग्रुप इफ आई स्टार्ट फ्रॉम टुडे, मैं नहीं बोलूंगा, आप चर्चिल जैसे ही बात कीजिए। चर्चिल भाई बताइए, और आज से शुरू करना नहीं हो सकता है कि भाई असफलता मिली हो कोई बात हो तो बेटा चलिए चर्चिल जी। देखिए फर्स्ट ग्रुप आपके चार सब्जेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे जो डरते हैं वो डरते हैं लॉ के सेकंड पेपर से, टैक्सेशन का बहुत कहते हैं लेकिन उसमें इतना प्रैक्टिकल उस पोर्शन ज्यादा होता है तो उसमें एक बार कवर हो जाता है, लेकिन जो लॉ का होता है उसमें पहला तो 1.5 दिन की छुट्टी मिलती है, उसमें बहुत वास्ट सिलेबस है लॉ का। तो मेरा तो यही है, आप अगर आज से भी स्टार्ट करते हो आपको जी जान लगा देनी है, पूरा सर से लेकर पैर तक पूरा एक कर देना है सब, ना दिन देखना, ना सोने का टाइम ना उठने का टाइम, सुबह उठो तो बुक्स के साथ, सो तो बुक्स के साथ, 15 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही अगर आपको आज से स्टार्ट करना है। और आपको ग्रुप वन अच्छे नंबर से क्लियर करना है 300+ से, और आप 300+ से क्लियर करोगे भी, क्यों नहीं करोगे, जब 15 घंटे तुम रोज पढ़ रहे हो, ना संडे देख रहे हो ना मंडे ना दिन रात सब चीज़ छोड़ छाड़ के, इसका फल ज़रूर मिलता है। सेक्रीफाइस का हमेशा आपको गिफ्ट देके ही जाता है, ऐसा नहीं है सेक्रीफाइस कभी वेस्ट गया हो, हार्ड वर्क सेक्रीफाइस ये सब पे ऑफ करता है बाद में, और बाद में आपको इन चीज़ों पे हंसी आती है कि ये हार्ड वर्क किया था मैंने, जबकि आपको वहाँ हार्ड वर्क लग रहा था, उसके बाद करोगे तो लगता है ये छोटी सी चीज़ थी, क्योंकि आप उस तरह के प्रिपेयर हो जाओगे। स्टार्टिंग की बस 7-8-10 दिन की बात है कि 15 घंटे नहीं बैठ पा रहे, पीठ में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, बाद में आदत पड़ जाएगी और वो हैबिट ना बहुत अच्छा पे ऑफ करेगी आपको बाद में, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। चलिए अब और कुछ बच्चों से मिलने का टाइम आ रहा है और हमारे बीच में है राहुल पांडे और क्या नाम है इनका, संचित गोयल, आइए बेटा आप लोग भी आइए, जरा थोड़ा बैठिए यहाँ पे। चलिए तो राहुल पांडे हमारे क्लास के सबसे शरारती बच्चों में से एक,
और एक बार इन्होंने बहुत खूब किया, खूब इंजॉय करते हुए इन्होंने पढ़ाई करी और फिर भी इन्होंने एक बार में पूरा पास करके दिखाया। राहुल पांडे, आप बताइए अपने बारे में दोस्त कुछ। हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम राहुल पांडे है एंड मैंने अभी जो सी एंटर के एग्जाम्स हुए थे उसमें अभी क्लियर हुए फर्स्ट अटेम्प्ट में, 435 मार्क्स है मेरे दोनों ग्रुप मिलाकर के। तो ये सब मैं सिंपली ये कहना चाहूंगा कि सर, जैसे सर ने अभी हमारे चटिल भाई ने बताया कि सर ने हमें जैन से क्लासेस देना चालू कर दी थी और फिर हमें कोई भी छुट्टी भी नहीं मिलती थी, ना ही संडे की ना ही वैसे। और सर भगवान लाल सर, अरविंद सर और राजीव सर, सभी सर ने, टीचर्स ने बहुत मेहनत की हम पे भी और हमने भी मतलब काफ़ी मेहनत की। और जो सबसे अच्छी बात जो ये थी कि भगवान लाल सर ने क्या किया कि हर चैप्टर, जैसे भी जो भी चैप्टर कराते थे वो अकाउंट्स में या कॉस्ट में, तो उनको क्या करते थे वो नेक्स्ट वीक उनका टेस्ट ले लेते थे ताकि हम उसको बेटर तरीके से रिवाइज कर सकें, एक बार और अच्छे से देख सकें। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जैसे बाद में उन्होंने क्या किया कि मार्क करा दिया कि ये बेटा इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार करके ही जाना आप अच्छे से, जैसे कि ABC कैटेगरी उन्होंने डिवाइड करा दी। और बहुत उन्होंने क्या किया, दो तीन बार रिविजन भी करवा दिया और उन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस भी ली जो हमारे रिविजन पीरियड से। और फिर उन्होंने टेस्ट सीरीज भी रखी। और जैसे कि टॉपर्स में क्या है कि जैसे सिलेबस हमारा 2-2.5 महीने पहले ही कंप्लीट हो गया था और फिर उसके बाद सर ने 3 टेस्ट सीरीज रखी, जिसमें सर ने तीनों टेस्ट सीरीज में जिसका भी जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज है, अगर किसी कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो सेकंड में थर्ड में अपना कवर कर सकता है। तो इस तरह से भी हमें बहुत बेनिफिट हुआ है ताकि हम अपने सिलेबस को 2 से 3 बार अपना एक अच्छे तरीके से रिवाइज कर सकते हैं और अपने वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इन सभी के लिए मैं सर को और पूरे टॉपर्स को सभी सबको एक थैंक यू कहना चाहूँगा मैक्सिमम। चलिए, राहुल पांडे और उनके परिवार को बहुत बहुत बधाई टॉपर्स की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी। अब हमारे सामने हैं एक और स्टूडेंट, ये भी शरारत में कुछ कम नहीं है, लेकिन ये खुद ही अपने तारीफ अपने मुंह से करे तो ज़्यादा अच्छा है। हेलो हेलो, माय नेम इज संचित गोयल, आई हैव क्लियर बोथ ग्रुप एग्जामिनेशन फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे को टॉपर्स में आने सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि हमें कंटिन्यूटी में काम कराया गया। हमें बहुत बुरा लगता था जब सर समय संडे को बुलाते थे पर हमें कहीं ना कहीं हमें पे ऑफ करा इसने। सर ने जब हमारी 3 महीने पहले हमारी क्लास ख़त्म कर दी तो मुझे तो पर्सनली ऐसा लगा कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो फिर मैं बोरियत हटाने के लिए मैं पढ़ाई करने ही चले जाता था। वे खाली खाली सा लगने लग गया था। सर ने जब सुबह 7 बजे से 7 बजे तक की क्लासें चालू कर दी तो मुझे खाली खाली सा लगने लग जाता था। और सेकंड थिंग, हमें फ़ायदा हमें टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा होता है। हमें अगर हमें टेस्ट सीरीज हमें उसी स्पीड से जीनती है जैसे हमें पेपर दे रहे हो, मेन पेपर एग्जाम्स दे रहे हो, हमें मेन एग्जाम की तरह हमें टेस्ट सीरीज पे पूरा फोकस करना चाहिए। अगर हमारे फर्स्ट टेस्ट सीरीज में थोड़े कम भी नंबर आते हैं तो कोई बात नहीं, हमें 3 टेस्ट सीरीज ली सर ने हमारी, ये हमारे सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ मेरे को। बस थैंक यू सर, बहुत बधाई दोस्तों। चलिए, ये थे 4 बच्चे, कुछ और बच्चे इंतजार आपका कर रहे हैं, जाइएगा नहीं, 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, आज बड़े हर्ष का दिन है, हमारे बीच में सीए इंटर के एक बार में बोथ ग्रुप पास ढेर सारे बच्चे बैठे हुए हैं। मैं बारी बारी से आपका उनसे परिचय करवाता हूं। सबसे पहले हमारे बाएं साइड में बैठी हुई हैं, आप ये खुद ही अपनी तारीफ खुद करेंगी तो अच्छा रहेगा। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ खुशी तिवारी और मैंने नवंबर 22 में एग्ज़ाम दिया था बोथ ग्रुप और मेरा है 480 मार्क्स, 480। एंड मैंने टॉपर से ही क्लासेस ली थी एंड द फैकल्टीज आर वेरी वेरी मच ग्रेट, यू नो सारे टीचर्स यहाँ पे, अरविंद सर, राजीव सर, रवि सर स्पेशली, भगवान सर, सारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं और सब बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और जो टेस्ट सीरीज होती है लास्ट में, टेस्ट सीरीज 3 राउंड की कंडक्ट होती है टॉपर्स क्लासेस में, वो भी बहुत ही अच्छा होता है और बहुत यूज़फुल होता है हमारे लिए, जिससे हमारा, अगर आपने प्रिपरेशन नहीं भी की हो और अगर आप ये तीनों टेस्ट देते हो तो 100% चांसेस है कि आप पास कर जाओगे बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में। एंड टीचर्स बहुत अच्छे हैं, भगवान सर बहुत ही अच्छे से और सारे बच्चों को मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए। रवि सर, अगर रवि सर की मोटिवेशन आपने देखी हो, अगर रवि सर ने आपको मोटिवेट कर दिया तो फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता है पास होने से या फिर रैंक लाने से। एंड अरविंद सर भी बहुत अच्छे हैं, टैक्स और ऑडिट, अगर आपने अरविंद सर से पढ़ाया तो फिर तो
बात ही अलग है, आपके मार्क्स जरूर आएंगे। और राजीव सर तो वो तो पूरे सेक्शन सब रटवा ही देते हैं, और वो भी क्लास में, ऐसा नहीं आपको घर जाके पढ़ना होगा। राजीव सर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लास में क्लियर करवा देते हैं, एक बार बस आपने उसको रिवाइज कर लिया तो आपको वापस से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू। चलिए, तो इन्होंने कंटिन्यूस बेसिस पे क्लासेस करी और लॉ में इन्होंने बड़ा जोर दिया कि भाई सेक्शन मैंने याद किया था। तो उम्मीद करते हैं आप इस टिप का आप लोग भी अपने एग्जामिनेशन में जरूर ध्यान देंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु डोभाल है और मैंने 494 मार्क्स स्कोर किए हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर बोथ ग्रुप। टॉपर्स के सारे टीचर्स, स्पेशली भगवान सर, अरविंद सर, राजीव सर और रवि सर ने हमारा इस सीए जर्नी में पूरा सपोर्ट किया है। मैंने सीए टॉपर्स फैमिली मैंने फरवरी में ज्वाइन की थी और हमारा कोर्स ऑलमोस्ट अगस्त तक कंप्लीट हो गया था। उसके नेक्स्ट 3 मंथ्स में हमने पूरा टॉपर्स ने हमारा पूरा रिविज़न किया है, कराया है और हमको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करी है जिससे हमारा प्रिपरेशन्स में और ब्राइट हुई हमारी प्रिपरेशन जिसकी वजह से। और एट द एंड आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक टॉपर्स, ऑल द टीचर्स एंड टॉपर्स फैमिली फॉर माई सी एंटर जर्नी। हिमांशु जी अब कहाँ से रहने वाले हैं? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम उत्तराखंड, लेकिन अभी हम न्यू दिल्ली में ही रहते हैं। चलिए, और मम्मी पापा कैसा रिएक्शन रहा जब उन्होंने सुना कि भाई क्या आपके घर परिवार में पहले से भी कोई सीए है? नहीं सर, आप पहले हैं? यस सर। कैसा था उनका रिएक्शन? सर आज क्लास जाने से पहले ही तो फोन आया था दोस्तों का कि रिजल्ट आ गया, तो मैंने जल्दी जाके चेक किया सवेरे ही क्लास जाने से निकलते ही। तो मैंने मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई और पापा को भी बताया, पापा के फेस पे जो स्माइल थी वो प्राइसलेस थी बस। क्या बात है, तो हम सभी दोस्तों को याद रखना है कि अपने माँ बाप के खुशियों के लिए भी हमें पढ़ना है और बस पढ़ना है। जब तक पढ़ने का काम पढ़ें, फिर उसके बाद जो भी मौज मस्ती करनी हो सब मौज मस्ती करेंगे। दोनों बच्चों को हम टॉपर्स के पूरी परिवार की तरफ से सीए फाइनल और आगे की जर्नी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। हमारे बीच में और भी दो बच्चे बैठे हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। आइए दो, आप लोग भी आ जाइए, बैठिए। इन दोनों बच्चों से भी मैं बात करना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि इनकी 8-9 महीने की जो जर्नी रही वो सी इंटर की 10 महीने की कैसे रही और क्या इन्होंने अर्ली बर्ड वगैरह में पढ़ा था, उसका कोई बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। प्रिया आप अपने बारे में बताइए बेटा। हेलो एवरीवन, मायसेल्फ प्रिया कांडपाल। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ऑलमाइटी गॉड बिकॉज ऑफ विच आई एम हियर एंड सेकेंडली माय पेरेंट्स फॉर सपोर्टिंग मी। और अगर हम बात करें टॉपर्स फैमिली की तो मैंने फाउंडेशन के बाद ही अर्ली बर्ड ज्वाइन कर लिया था। मुझे लगता है बिकॉज ऑफ टीचर्स ही हम बोथ ग्रुप में अपेयर हुए और थ्रू द जर्नी हमें कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि हमें एक ग्रुप दे देना चाहिए या फिर अटेम्प्ट स्किप कर देना चाहिए। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स और भी हैं, उन्होंने टॉपर्स को लीव किया और फिर उनने अभी उनने अपेयर भी नहीं करा। और सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टॉपर्स फैमिली। और बात करें टीचर्स की, टीचर्स तो परफेक्ट थे। बात करें भगवान सर की, अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स, उन्होंने मतलब वो जिस तरीके से क्वेश्चन करवाते थे सब में एक ही पैटर्न, तो ज़्यादा हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सब कुछ उन्होंने ही बनाया था, नोट्स भी, इवन अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट जैसे सब्जेक्ट में नोट्स भी उन्होंने ही बनाए थे, तो बहुत अच्छा रिविजन हो जाता था। और वो हमारी 2 नोटबुक बनाते थे, वो बहुत हेल्पफुल होती थी। बात करें सेकेंड टीचर लॉ और EIS फैकल्टी राजीव सर की, और उन्होंने जैसा खुशी ने बताया था कि क्लास में ही सारे सेक्शंस रटवा देते थे, मतलब वो क्लास में ही इतने अच्छे से पढ़ाते थे कि उसे घर जाके रिवाइज करो तो सब कुछ समझ में आ जाता था। टैक्स और ऑडिट फैकल्टी सीए अरविंद दुबे सर, और उन वो तो क्लास में हमसे इतने क्वेश्चंस करते थे, मतलब पूरी जर्नी में ऐसा लगा ही नहीं कि हमें कुछ और करना चाहिए, हम फुल्ली डिवोटेड होके पढ़ रहे थे। और सर लोग भी टेस्ट देते रहते थे, हर वीक हमारा टेस्ट होता था तो हम कुछ और करने का टाइम ही नहीं होता था। तो थैंक्स टू टीचर्स। और लास्ट में रवि सर जिन्होंने हमें FM पढ़ाया था, तो वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। दैट्स ऑल, थैंक यू। हमारे दाहिने साइड में शिखा पांडे जी हैं। शिखा आप अपने बारे में कुछ बताइए और सी इंटर की जर्नी आपकी कैसी रही, इतनी अच्छी सक्सेस आपने हासिल करी, अपने नंबर वगैरह भी बताइए शिखा।
गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ शिखा पांडे, आई अपीयर फॉर नवंबर 2022 एग्जामिनेशन फॉर बोथ ग्रुप एंड आई स्कोर्ड 517 मार्क्स आउट ऑफ 800. सो मेरे मार्क्स जो मैं लेकर आई हूँ, जो मैंने अर्न कराया आज, जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई टीचर्स. क्योंकि पेरेंट्स और टीचर बस वही दो इंसान है जो आपको रास्ता दिखाएंगे और आपको उस पर चलना है. कभी भी शक नहीं करना कि क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं. कभी डांट देते थे तो होता था कि शायद बुरे के लिए, बट नहीं, जो टीचर्स कहते हैं, जो पेरेंट्स कहते हैं, हमेशा अच्छे के लिए होता है. यही चीज था कि हमने फाउंडेशन खोलने के बाद 23 दिसंबर से सर के बर्थडे पे, उसी दिन से मैंने अपनी सी एंटर की जर्नी स्टार्ट करी थी. मैं पूरी डिवोटेड थी, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठती थी. बस इसी वजह से बैठती थी कि मेरा पूरा फोकस पढ़ाई पे हो, और मैंने कर दिखाया. दैट्स इट, थैंक यू. चलिए, दोनों ही बच्चों को टॉपर्स की परिवार की तरफ से आगे वाले जर्नी यानी कि सीए फाइनल की जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं. और हम उम्मीद करते हैं ये सभी बच्चे एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनेंगे और अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए एक एसेट साबित होंगे. ये साबित करेंगे कि लड़कियां लायबिलिटी नहीं, बल्कि लायबिलिटियां और लड़कियां एसेट्स होती हैं, और बहुत बड़ी एसेट्स होती हैं अगर वो शिक्षित हो, प्रोफेशनली क्वालिफाइड हो. तो थैंक यू दोस्तों.